हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NHM के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी एक और अपडेट यहां पर आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हम लेकर आ गए हैं। एक और अपडेट यहां पर आ चुकी है। यहां पर एक लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, डिटेल, एड्रेस दिया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिया गया है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ और कहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे एक ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें आप विभिन्न नाम देख सकते हैं, कई लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी वैकेंसी है, कौन सी अपडेट है, इन सब की जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगी। फाइनली इसमें कितने लोग सिलेक्टेड हैं, कितने और किस लिए लिस्ट जारी की गई है, कौन सा आर्डर है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। NHM की तरफ से अपडेट यहाँ पे जारी की गई है, इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ से विधिवत पूरी आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दी गई है NHMMP.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप होम पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही होम पेज पर आएंगे तो आपको ये होम पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन आएगा स्टेट सर्कुलर आर्डर्स। तो NHM ऑल स्टेट सर्कुलर आर्डर्स यहाँ पे जारी किए जाते हैं। तो जितने भी सर्कुलर आर्डर होते हैं वो यहाँ पे जारी किए जाते हैं NHM के थ्रू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टेट सर्कुलर आर्डर को आपको ओपन करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है नेशनल समिट से रिलेटेड। जो ट्रांसफर आर्डर जो आते हैं वो यहाँ पे आपको शो होते हैं, टेंडर्स यहाँ पे शो होते हैं, कॉन्टैक्ट यहाँ पे NHM का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, ऑल एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कौन कौन कार्यरत है, क्या है और किस पोस्ट पे है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वीडियोज़ और यहाँ पे ट्रेनिंग और लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैकेंसी का। तो वैकेंसी यहाँ पे जो वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। लेकिन हमको यहाँ पे स्टेट सर्कुलर आर्डर्स को क्लिक करना है। अभी तो हमारी जो अपडेट है वो यहाँ पे स्टेट सर्कुलर आर्डर्स में आपको देखने को मिलेगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपके सामने लिखा होगा राज्य स्त्री परिपत्र एवं आदेश। स्टेट सर्कुलर आर्डर्स जो आते हैं वो यहीं पर आते हैं, राज्य स्त्री परिपत्र एवं आदेश, ये भी आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहता है। अब इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन यहां पे जारी की गई है संविदा संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर के नियुक्ति आदेश के संबंध में। तो संविदा संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर की जो पोस्ट निकाली गई थी उसका नियुक्ति आदेश फाइनली यहां पे जारी कर दिया गया है और आर्डर नंबर यहां पे देख सकते हैं 16240 है और 11/8/2023 की अपडेट यहां पर आप लोगों के लिए जारी की गई है। तो चलते हैं इस PDF को यहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था फाइनली उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग आर्डर आ गया है। तो ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। आर्डर क्रमांक से यहाँ पे देख सकते हैं 11/8/2023 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश आदेश यहाँ पर जारी किया गया। आर्डर क्या आर्डर जारी किया गया देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संभागीय बायोमेडिकल इंजीनियर के पद को भरने हेतु श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर में ओपन कैंपस सिलेक्शन पर कर पात्र उम्मीदवारों का चयन लिखित आवलिक साक्षात्कार के माध्यम से किए गए। तो यहाँ पे जो पोस्टिंग रहेगी आपकी कहाँ पे रहेगी आप देख सकते हैं, श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर में ये पोस्टिंग जो है यहाँ पे ओपन कैंपस में सिलेक्शन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत जो पात्र उम्मीदवार पाए गए उनका चयन जो है लिखित आवलिक साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है और ये संविदा संभागीय बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर यहाँ पर कार्य करेंगे। उपरोक्त साक्षात्कार में गठित समिति द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड के आधार पर चयनित पात्र उम्मीदवारों को मेरिट सूची के आधार पर मासिक मानदेय 35,000 रुपये, जो मासिक मानदेय रहेगा आपको कितना है 35,000 पर संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर के पद पर निम्नानुसार संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट पर आपको संविदा नियुक्ति यानी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग दी जा रही है, 35,000 आपकी सैलरी रहेगी, पोस्टिंग आपकी श्री गोविंद राम सेक्सरिया
प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान इंदौर में रहेगी। तो ये फाइनली यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है वो सीरियल नंबर दिया गया है, टेबल यहाँ पे दी गई है, फिर कैंडिडेट का रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और एड्रेस दिया गया है, नाम, फादर नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है कॉलम नंबर 4 में, कॉलम नंबर 5 में कैंडिडेट का जेंडर क्या है, कॉलम नंबर 6 में कैंडिडेट की कैटेगरी और कॉलम नंबर 7 में किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अलॉटेड डिवीजन रहेगा आरजेडी ऑफिस क्या रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लास्ट में दी गई है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो कहाँ पे, मतलब जो आपका इंटरव्यू या जो लिखित परीक्षा हुई वो कहाँ हुई, सेक्सरिया, गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान इंदौर में। अब फाइनली आपको जो पोस्टिंग मिल रही है वो कहाँ कहाँ मिल रही है आप देख सकते हैं, उसके अंतर्गत जो पोस्टिंग का रहेगी वो यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में दी गई है। तो सभी कैंडिडेट लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडिडेट उज्जैन, थर्ड उज्जैन, इनको ग्वालियर में पोस्टिंग मिली है, इनका पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कितने कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल हैं, तो टोटल 9 कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन दिया गया है। 9 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, इनका यहाँ पर ज्वाइनिंग आर्डर जारी कर दिया गया, इनको अब यहाँ पर ज्वाइनिंग करना है, कितने दिन में ज्वाइनिंग करनी है इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर जो पॉइंट नंबर यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 दिया गया है कि संविदा संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा, निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की दिशा में नियुक्त स्वतः नियुक्त माना जाएगा। तो जो ऑर्डर जारी किया गया है वो कब जारी किया गया, 11 तारीख को ऑर्डर जारी किया गया, इससे 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, 15 दिन का समय आपको दिया गया है। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर प्राप्त होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखा आज जो आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना है, तो 15 दिन आपको यहाँ से मिलेंगे, तो 15 दिन में जो है 26 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अगर आप 26 तारीख से पहले पहले यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो नियुक्ति आदेश है स्वतः निरस्त माना जाएगा। फिर यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7-6 दिया गया, संविदा संभागी बायोमेडिकल इंजीनियर को उपस्थिति पश्चात 7 दिवस के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, जिस भी डेट में आप ज्वाइनिंग करेंगे, मान लीजिए 20 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 27 तारीख के पहले पहले यहाँ पर आपको जिला मेडिकल फिटनेस बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो फिटनेस प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा, 7 दिन के अंदर आपको फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हो गए, इसके अलावा अन्य जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप एक बार रीड जरूर कर लें, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।